15 लाख रुपये शौचालयासाठी काय, त्या शौचालयामध्ये सोन्याची भांडी आहेत का? कोण अधिकारी आहेत हे? कोणाच्या डोक्यात हे सगळं येत आहे? संडास म्हणजे टॉयलेटच्या बाजूला लोक बसणार आहेत का? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं युसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं वसई के पानागा से वसई समुद्री बीच की तरफ जाने वाले रास्ते पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक दो माला की बिल्डिंग है, और ये दो माला की बिल्डिंग में आपको बता दूं कि ये दो माला का शौचालय है। शायद ही कहीं पर दो माला का शौचालय होगा, लेकिन वसई में है। लेकिन क्या वो शौचालय शुरू है? तो इसका जवाब आपको मिलेगा नहीं। यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी सुशील ओगले जी है, उन्होंने ये मामला उठाया है। उन्होंने बताया कि करीब करीब 15-20 साल पुराना ये शौचालय बांधा हुआ है नगर परिषद के जमाने से, और तब से ये हैंडओवर नहीं हुआ है, पब्लिक के लिए खोला नहीं गया है। नहीं यहाँ किसी को ऐसा सुरक्षा के लिए बिठाया गया है कि ताकि कोई इसका ध्यान रख सके। तो वो विषय था, लाखों रुपये तब खर्चा किया होगा, लेकिन हैंडओवर नहीं हुआ। आज क्या परिस्थिति है आप वीडियो में देख सकते हैं। हमने ऊपर का पूरा मुआयना किया, सुशील ओगले जी के साथ में मुआयना किया, ऊपर की क्या परिस्थिति है। शराब की बोतलें ऊपर पड़ी है, गंदगी पसरी हुई है, काफी कुछ है। ये विषय अपनी जगह पर है कि ये चालू नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्या राजनीति है, क्या था, वो हम नहीं बोल सकते, लेकिन चालू नहीं हुआ। उसके उलट दूसरी जगह आप ये दीवार देख सकते हैं, ये 15 लाख रुपए की दीवार अभी हाल ही में बांधी गई है, जिसका काम पूरा भी नहीं हुआ, अभी गेट के लिए भी ये जगह है। अब मुझे ये चीज समझ में नहीं आता है, सुशील ओगले जी ने भी यही एक सवाल उठाया कि जब टॉयलेट बीच में है और कोई बहुत ज्यादा जमीन बची हुई नहीं है, तो उसको इस तरह से संरक्षण बिंद बांधने का मकसद क्या है, नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई ऐसी जमीन महानगर पालिका की अपनी है, महानगर पालिका का रिजर्वेशन है, तो उसको महानगर पालिका को जरूर संरक्षण करना चाहिए। लेकिन इस जमीन का इस तरह से संरक्षण करके क्या मतलब है, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि एक तरफ ये टॉयलेट उन्होंने चालू नहीं किया है, यहाँ समुद्री किनारा है, हजारों लोग, हजारों पर्यटन रोज आते हैं पर्यटक, और जैसा सुशील जी दावा कर रहे हैं कि बाजू में सनटेक का प्रोजेक्ट है, उसके लोग खुले में शौच करते हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा ये बोलते हैं कि शौच मुक्त भारत, और आपको ये भी बता दूं कि हमारे देश में एक व्यवस्था पिछले कुछ सालों से चल रही है, हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण होता है। सिर्फ स्वच्छता सर्वेक्षण में मार्क नंबर ज्यादा आए, इसके लिए महानगर पालिका ने करोड़ों रुपए की स्वीपिंग मशीन तक मंगाई हुई है, जिसका वसई विरार में कोई उपयोग ही नहीं है, क्योंकि वसई विरार में रोड बराबर नहीं है, खड्डों में स्वीपिंग मशीन चलने वाली नहीं है। तो ऐसे स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जहां महानगर पालिका लाखों करोड़ रुपए खर्च करके स्वीपिंग मशीन मंगाती है, और एक बात यह भी है कि स्वीपिंग मशीन मंगाना जरूरी है, वो जो स्वच्छता इंडेक्स है उसमें स्वीपिंग मशीन नहीं है तो नंबर मार्क्स कटते हैं, तो सिर्फ वो दिखाने के लिए। अब मुझे तो ये भी एक सवाल या निशान लगता है कि जो स्वच्छता सर्वेक्षण करने वाले जो टीम आती है, क्या वो शहर में घूमकर स्वच्छता सर्वेक्षण करती है, या ये महानगर पालिका अधिकारी उनको कहीं होटल में बिठाकर, एसी रूम में बिठाकर उनको ये दिखाते हैं कि हम स्वच्छ है? तो ये काफी बड़ा सवाल है। इस तरह के जब हालात यहाँ दिखाई दे रहे, तो स्वच्छता में हम 20 क्या 100वें नंबर पर भी नहीं आएंगे, ये मेरा दावा है। तो कहीं ना कहीं सुशील ओगले जी ने ये सवाल उठाया। अब ये सवाल उठता है, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार कौन है? प्रशासन। तो हमने प्रशासन के पास इसकी जानकारी लेनी चाहिए, और प्रभाग समिति आई के सहायक आयुक्त से इस बारे में जानकारी लेनी चाहिए, तो उन्होंने सीधे मुंह पे मना कर दिया कि मुझे कुछ इस बारे में मालूम नहीं है। प्रभाग के सहायक आयुक्त जो कि प्रभाग प्रमुख है, उनको अगर जानकारी नहीं भी हो, जो नए आए हो, तो उनको एक ये होना चाहिए कि मैं जानकारी लेकर आपको बताता हूँ, लेकिन वो बोलते मुझे जानकारी नहीं है इस बारे में, मैं कुछ भी बोल नहीं सकता हूँ, आप इस बारे में मुख्यालय में जाइए। यानी कि यहाँ से वहां धकेलने वाली बात, इनको मालूम भी होगा तब भी वो नहीं बताना चाहते, और अगर नहीं मालूम है तो इनके जितना बेशर्म अधिकारी कोई नहीं है, क्योंकि इतने समय से वो यहाँ पर है, और उनको जब कंप्लेन आई इस चीज की, तब वो ये बोल रहे कि मुझे मालूम नहीं। इनको ये भी बताया गया, उनको ये कहा गया कि सनटेक का जो प्रोजेक्ट है उसके लोग अगर खुले में शौच करते हैं तो उसका क्या है, तो उन्होंने खाली ये बोला अगर ऐसा है तो उनको मैं नोटिस निकालूंगा, लेकिन क्या वो नोटिस उन्होंने निकाला या ऐसा कुछ है? तो कहीं ना कहीं काफी सवाल है, और ये जमीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं। अभी स्वच्छता सर्वेक्षण महानगर पालिका या भारत सरकार का जो है, हम बड़े गर्व से हर साल, इस साल में कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं, मेरी माटी मेरा देश, स्वच्छता सर्वेक्षण, ये वो बार बार शपथ ली जाती है, उन शपथ का फोटो अपलोड होता है, लेकिन क्या वो सिर्फ कागजों में वेबसाइट पर फोटो अपलोड करने तक सीमित है? जमीन पर कुछ नहीं है।
ये हकीकत है। हम फिलहाल यहीं पे रुकते हैं, आगे वीडियो में आप सुने सुशील ओबरे जी का क्या पूरे इस मामले पर कहना है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ओबरे सर नमस्कार। नमस्कार, आप यहाँ आए क्या विषय है? यहाँ अपन या ठिकाणी बघतो है महानगर पालिकेने या ठिकाणी एक टॉयलेट बांधलेला आहे। हे टॉयलेट 20 वर्षापूर्वी नगर परिषद असताना बांधलेलं आहे। ह्या टॉयलेट आजपर्यंत 20 वर्ष होऊन सुद्धा लोकांसाठी त्याची व्यवस्था करून देण्यात आलेली नाही। आणि आज आपण या ठिकाणी बघतोय की ह्या टॉयलेटला सुरक्षा कंपाऊंड जे बांधण्याचं काम चालू आहे, हे जवळजवळ 15 ते 20 लाख रुपयाचं सुरक्षा कंपाऊंड बांधतायत। म्हणजे महानगरपालिकेच्या कामाची जी पद्धत आहे, ती काय पद्धत आहे, कोण इंजिनियर आहे, कोण यांना सुचवते, या आय प्रभाग मध्ये साटम म्हणून अधिकारी आहेत, त्या अधिकाऱ्याने आम्ही विचारलं की हे महानगरपालिकेच्या ताब्यात असलेलं जे टॉयलेट आहे पब्लिकसाठी, ह्याची तुम्ही अजूनपर्यंत व्यवस्था लोकांसाठी ते खुलं केलेलं नाही आहे, आणि मग सुरक्षा कंपाऊंड तुम्ही बांधता आहात, 15 लाख रुपये जवळजवळ त्याच्यासाठी खर्च करत आहात, ह्याचं काय कारण काय आहे त्याच्यासाठी? एवढं या शौचालयामध्ये असं काय आहे की ज्याच्या संरक्षणासाठी तुम्ही 15 लाखाचं सुरक्षा कंपाऊंड बांधत आहेत? ते म्हणाले की आम्हाला या संदर्भात काही कल्पना नाही, हे विरारवरून मुख्य कार्यालयातून त्याची ऑर्डर आलेली आहे सुरक्षा कंपाऊंड बांधा म्हणून। वसई तालुक्यामध्ये, वसई विरार महापालिकेमध्ये 2 माळ्याचं टॉयलेट हे या आय प्रभागमध्येच आहे। समोर जवळ समुद्र किनारा आहे, लाखो पर्यटक या ठिकाणी पर्यटनासाठी येतात। इथून तुम्ही बघाल तर बाजूला सनटेकचा हा 5000 करोडचा एवढा मोठा प्रोजेक्ट आहे, या प्रोजेक्टला लागूनच हे टॉयलेट आहे। इथले कर्मचारी जे आहेत ते आजही उघड्यावर शौचालयाला बसतात। बाजूला ज्या काय बिल्डिंग आहेत, त्या बिल्डिंग मधल्या महिला असो वयस्क असो, त्यांना ते सगळे बघायला मिळतं की इथले जे कामगार आहेत ते उघड्यावर शौचालयाला बसतात। आज आमच्या देशाचे लाडके पंतप्रधान मोदींनी सांगितलेलं आहे की उघड्यावर शौचालयाला जाऊ नका, तर त्या कामगारांनी सुद्धा त्याचा वापर करता आला असता। परंतु आपण आता वरती जाऊन जर बघून याल, आम्ही आता बघून आलो वरती, बघाल तर टॉयलेट मध्ये इतकी घाण दुर्गंधी पसरलेली आहे। पाण्याचं कनेक्शन चालू आहे, टाकी भरली जाते पाण्याचं, आम्ही बघितलं तर वरती पाण्याचं कनेक्शन आहे, पाणी कोण वापरतं काही त्याचं माहीत नाही या ठिकाणी। पण हे गेली 20 वर्ष झाली शौचालय लोकांसाठी का लोकार्पण केलं नाही, त्याचा मुहूर्त का सापडला नाही, हा आता आम्ही ऐकताना आज प्रश्न विचारणार आहोत या ठिकाणी। की हे एवढं चांगलं टॉयलेट आहे, लाखो लोक या ठिकाणी येतात फिरायला, समुद्रावरती जवळच आहे, लोकांना इथे कुठेही शौचालयाची टॉयलेटची सोय नाही आहे, मग हे तुम्ही का लोकार्पण करत नाही आहात? पहिले यहाँ बहुजन विकास आघाडी की थी, अब आप बीजेपी में हो शायद आपकी नहीं समझ आती थी, लेकिन आज आयुक्त जो एक प्रशासक है और सत्ता राज्य में बीजेपी की है, तो क्या आप अपनी सत्ता के माध्यम से आयुक्त नहीं? आम्ही आयुक्तांशी चर्चा केलेली आहे। आयुक्त म्हणाले की आम्ही सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे लाड साहेबांना तसं सूचना दिलेल्या आहेत, मध्यंतरी एका संस्थेला त्यांनी संस्थेबरोबर बोलणं चालू आहे, संस्थेला ते चालवायला देणार आहेत या ठिकाणी शौचालयाचं। माझा प्रश्न असा आहे की 20 वर्ष तुम्हाला का लागली? एक शौचालय तुम्ही लोकांसाठी जर देऊ शकत नाही, तर तुम्ही महानगरपालिकेमार्फत तुम्ही लोकांना काय देणार आहात या ठिकाणी? म्हणून आमचं जनतेला आव्हान आहे की भारतीय जनता पार्टी हा एकच पर्याय आहे वसई विरारच्या विकासाकरिता। जर वसई विरारकरांना जर काही सुविधा हव्या असतील, तर त्यांना भारतीय जनता पार्टीलाच मतदान केलं पाहिजे। अब 20 वर्ष बोल रहे तो ऐसा कुछ डेटा है आपके पास है जिसके मालूम पड़े की 20 साल? हाँ, यहाँ संदर्भामध्ये हे जे शौचालय आहे त्याची मी माहिती घेतली नगर परिषदेचे, आताचे महानगरपालिकेचे अधिकाऱ्यांनी, ते म्हणाले की वसई नगर परिषद असताना ते बांधलेलं आहे, त्याच्यानंतर ती हँडओव्हर केलेली प्रॉपर्टी आहे। आता त्याच्या आम्ही आय प्रभागामध्ये गेलो, त्या आय प्रभागामध्ये आम्हाला त्याचे पेपर बघायला मिळाले त्या ठिकाणी की वसई नगर परिषद असताना हे बांधलेलं आहे। हे टॉयलेट त्यांचं म्हणणं असं की MMRDAने बांधली होती त्या टायमाला वसईमध्ये, ती पण वसई MMRDAने जरी बांधली तरी नगरपालिका महानगरपालिका तर तुमची आहे, तुमच्याकडे हँडओव्हर केलेलं आहे, तर लोकांच्या सुखसुविधे करती। आज मोदीजी एवढं सांगतायत, आज देशाच्या देश त्यासाठी सांगतोय की उघड्यावर शौचालयाला गेलं नाही पाहिजे आहे, इथे टॉयलेट बांधून 20 वर्ष आणि तुम्हाला हँडओव्हर करता येत नाही आहे। आमचंच म्हणणं आहे महानगरपालिकेला आयुक्तांना आम्ही आता बोलणार आहोत, आज त्यांच्यावर त्यांची भेट झाली, तर आम्ही सांगणार आहोत की लवकरात लवकर हे शौचालय सुरू करून द्या। या ठिकाणी लाखो लोक पर्यटनासाठी समुद्रावरती येतात, महिला येतात, वयस्कर येतात, मुलं येतात, त्यांना कुठेही इथे टॉयलेटची सोय नाही आहे, ही सोय लवकरात लवकर करावी एवढीच आमची मागणी आहे। संरक्षणाचं आम्ही बोलतोय की हे शौचालय 20 वर्ष झालं तुम्हाला चालू करता देता येत, लोकार्पण करता येत नाहीये, आणि आज अचानक उठून या शौचालयाला हे संरक्षण कंपाऊंड जे बांधायचं जे काम चालू आहे, तुम्ही बघाल तर हे संरक्षण कंपाऊंडचं बांधण्याचं काम चालू आहे, आज ह्याला जवळजवळ 15 लाख रुपये म्हणजे खर्च आहे। 15 लाख रुपये शौचालयासाठी? काय त्या शौचालयामध्ये सोन्याची भांडी आहेत का? कोण अधिकारी आहेत हे? कोणाच्या डोक्यात हे सगळं येत आहे? या साटमला पहिले विचारावं लागणार आहे, साटम
विभागाचे जे अधिकारी आय विभागात बसलेले आहेत त्यांना की तुम्ही हे जे संरक्षण कंपाऊंड बांधता आहात शौचालयाला असं संरक्षण कंपाऊंड बांधणारी महानगरपालिका महाराष्ट्रातली पहिली महानगरपालिका आहे हे तुम्ही आता बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. या ठिकाणचं जे बांधकाम आहे हे बांधकाम बनवत आहे म्हणजे शौचालयाला ते म्हणतात की आम्हाला गार्डन बनवायचंय. आता शौचालयाला जर गार्डन बनवलं त्या गार्डन मध्ये कोण लोक बसायला येणार का? संडास म्हणजे टॉयलेटच्या बाजूला लोक बसणार आहेत का? अधिकाऱ्यांना हे कोण सुचवतं? हे कोणी सुचवलं? मध्यम मागे तुम्ही बघितलं होतं, मागे तुम्हाला बोललो होतं गटारावर अभ्यासिका बनवली म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि आमच्या सावित्रीमाईंना तुम्ही गटारावर बसवणार का? आता कुठला अधिकारी हा साटम नावाचा जो अधिकारी आहे यांना वसई आय प्रभागामध्ये कोणी बसवलं आता त्याचा आम्हाला प्रश्न विचारावा लागणार आहे. आखरी सवाल ये की आप मांग कर रहे की इसको पब्लिक हैंडओवर किया जाए, चालू किया जाए, लेकिन जैसी परिस्थिति मेरे भी ऊपर का दौरा किया, मुआयना किया, आपने भी किया, जैसी परिस्थिति देखी गई उससे लग रहा है कि इसको फिर से चालू अगर करना है तो आज के समय में फिर से हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का खर्च फिर से दोबारा करना पड़ेगा. और उसके बावजूद जैसा आपने भी बताया कि 20 साल धीमी ये बिल्डिंग है तो बहुत ज्यादा इसकी अभी एज नहीं बची, उम्र नहीं बची, तो ऐसे में अब इतना इसको वापस खर्चा करना क्या सही है? नहीं, नहीं, ये जो आप इमारत देख रहे हो वो भले 20 साल होने दो उसको, वो आपको अगर देखेंगे तो उसका कुछ ज्यादा खर्चा नहीं है. खाली अंदर जो टॉयलेट वगैरह है उनको दरवाजा वगैरह करेंगे, क्लीन करेंगे, अंदर का जो है जो भी पॉट वगैरह खराब हो गया है वो अगर दुरुस्त हो जाएगा तो 2-5 लाख रुपए में खर्चा हो जाएगा. मेरा यही कहना था कि 15 लाख रुपया कंपाउंड वॉल को डालने के बजाय अगर वो टॉयलेट में अगर डाल देते थे और वो अगर चालू करते थे तो जनता के लिए अच्छा वो रहता था, ना कि ये सुरक्षा कंपाउंड. टॉयलेट को सुरक्षा कंपाउंड बनाने वाली महानगर पालिका पहली महानगर पालिका होगी महाराष्ट्र में कि जो ऐसा काम कर रही है. इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ आना बैठना पड़ेगा, तभी लोगों को जो भी चाहिए वो सुविधा मिलेगी. ऊपर जब हम गए तो हमने देखा कि गंदगी तो है ही है, साथ ही साथ शराब की बोतलें भी है, तो क्या यहाँ पे ऐसी परिस्थिति होती है कि रात के समय में या ऐसे समय में? नहीं, देखो ये जो आप बोल रहे हैं ना शराब की बोतलें आपने देखी वो सब देखा, यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, सुरक्षा नहीं है, महानगर पालिका ने किसी को दिया नहीं है, खुले में प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको ना लॉक है ना कोई, उसका शटर भी था, दरवाजा भी तोड़ दिया है, तो जो भी यहाँ के आजू बाजू में चरस गांजा दारू पीने वाले है वो तो आके बैठने वाले ही है यहाँ पे. वो कभी बंद हो जाएगा? जब यहाँ पे कोई केयर टेकर रहेगा तभी तो ये बंद हो जाएगा. हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें.